अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आज बना रहे हैं हम सदाबहार आलू, जो बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इसके लिए देखिए, ये आलू जो मैंने काट के रखे हैं, एक कुटी हुई लाल मिर्च, ये गरम मसाला पाउडर, नमक और ये प्याज। और इन्हें इसको बनाना कुकर में बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। देखिए कुकर रख दिया है। अब इसमें तेल डालेंगे। देखिए कुकर में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का लाल होने तक भूनेंगे। यकीन मानिए आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और जब मेरी माँ बनाती थी ऐसे आलू तो बहुत ही अच्छे लगते थे खाने में, और ये हमें भी बहुत पसंद है। माँ के हाथों जैसा स्वाद तो नहीं है, मगर हाँ कोशिश करते हैं कि वैसे ही बनाएं। ये देखिए प्याज हल्की सी भुंजी है, इसमें नमक, जो नमक लिया और कुटी मिर्च ली है वो मिलाएंगे, और जब जब सब्जी बन जाएगी इसके बाद में जो गरम मसाला है वो मिलाएंगे। ये आलू धुले हुए रखे हैं, आलूओं को भी इसमें मिला दिया। ऐसे ही 2-3 मिनट आलूओं को तलेंगे। अगर आप इनमें लाल हल्दी डालना चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, मगर इसमें मैं हल्दी नहीं डालूंगी, ये ऐसे ही बनाएंगे। अब ये जो गरम मसाला लिया है वो भी इसमें मिला देंगे। इसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए 2 मिनट तक भून गए हैं। इनमें कोई पानी नहीं डालना है, बस एक सीटी लगाना है, आपके आलू बनके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो यकीन मानिए हमारी किचन महक गई है, आप जरूर बनाइएगा आलू। इनको बोलते हैं सदाबहार आलू। ये देखिए आलू पक के बिल्कुल तैयार हैं। देखिएगा अब आलू में तड़का लगाने के लिए, ये देखिए हींग, जीरा, कड़ी पत्ता और ये राई। आइए अब तड़का लगाते हैं। ये देखिए तड़का लगाने के लिए थोड़ा ही ऑयल लेंगे, ये बस गर्म होने तक इंतजार करेंगे इसका। देखिए तड़का बिल्कुल तैयार है। ये देखिए
सदाबहार आलू रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। जरूर बनाइएगा ये रेसिपी। हमारी कैसी लगी आपको ये जरूर बताएं, और जिनने हमें सब्सक्राइब कर लिया है वो शेयर करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।